मोहब्बत करने वाले के दिल से मोहब्बत दफा हो गई। कमबख्त वो खूनी भी बनी और बेवफा हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। एक प्राण प्रिय ने अपने प्राणनाथ की हत्या करवा दी। जी हां, महिला ने बताया है कि मैं वीरू नामक युवक से प्रेम करती थी। मेरी शादी मृतक स्वतंत्र भारती से मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन मैं अपने प्रेमी वीरू के साथ रहना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने प्रेमी वीरू और उसके साथियों गोविंद और गामा के साथ मिलकर साजिश कर अपने पति स्वतंत्र को गोली से मरवा कर हत्या करवा दी थी। जी हां, गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के सिधौना के पास बीते शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हुए युवक की हत्या का स्वाट टीम और खानपुर पुलिस टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। खानपुर के थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव और उनकी टीम ने मजबूत कानून व्यवस्था का परिचय देते हुए इस पूरे वारदात का पर्दाफाश किया है और उनका साथ दिया है गाजीपुर की स्वाट टीम ने। सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने आरोपितों को मीडिया के समक्ष पेश किया। एसपी ने बताया कि स्वतंत्र भारती की हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी। हत्या में प्रयुक्त असलहा और बाइक भी बरामद कर लिया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि शुक्रवार को सिधौना नेहनाजपुर मार्ग पर ईशोपुर के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर 25 वर्षीय स्वतंत्र भारती की हत्या कर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के खुलासे के लिए एसओजी और स्थानीय टीम को लगाया गया था। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इसी क्रम में स्वाट टीम और खानपुर पुलिस टीम की संयुक्त टीम ने खानपुर थाना की दिनोरा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास 315 बोर का दो तमंचा, दो कारतूस के साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद किया गया। इसके अलावा घटना में संलिप्त मृतक युवक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 29 तारीख की शाम को 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर, थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था, जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई और जैसा कि आप सबको विदित है, इस समय क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पर लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइम अफेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी, जिसकी शादी महामार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई परिजनों से पूछताछ के आधार पर। और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए और अपने
पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। दो टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।